हे गाइस, वेलकम बैक टू एम्पावर एजुकेशन। तो बच्चों, अभी जो हम सीरीज लेकर आए हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मोशन। मोशन का जो चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल्स बच्चे स्किप कर देते हैं, एग्जाम में छोड़ के आ जाते हैं, हालांकि उन्हें पता होता है सॉल्व कैसे करना है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल्स को जो आपको थोड़े से डिफिकल्ट जाते हैं। सो हमने पहला क्वेश्चन लिया है, दैट सेज एन एथलीट कम्प्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, यहाँ पे टर्म आ गया सर्कुलर ट्रैक। तो हम क्या करेंगे, हमारे समझने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, हम एक सर्कुलर ट्रैक जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है जी, सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायामीटर 200 मीटर, यानी कि हमें डायामीटर कितना दिया है, 200 मीटर दिया है। ठीक है बच्चों, डायामीटर इज 200 मीटर। तो फटाफट से हम क्या करते हैं, गिवन भी लिखते जाते हैं। तो गिवन क्या है, पहला गिवन है डायामीटर इज 200 मीटर। ठीक है, तो अगर डायमीटर 200 मीटर है तो हमारा रेडियस कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस रेडियस विल बी इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस इट विल बी 100 मीटर। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, इन 40 सेकंड्स, यानी कि ये क्या कर रहा है, एक एथलीट है, सपोज़ यहाँ पे एक एथलीट है, वो क्या कर रहा है, वो इस सर्कुलर पाथ को कंप्लीट क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे दौड़ के आ रहा है, और इसको कितना टाइम लग रहा है दौड़ने के लिए, 40 सेकेंड। ठीक है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। तो हमें क्या बोला है, पहला हमें फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, ये दोनों चीज़ें हमें क्या करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमने यहाँ पे गिवन लिख दिया, गिवन क्या है बच्चों हमारे पास, दैट इज़ डायमीटर को हमने कन्वर्ट किया, रेडियस को, डायमीटर को हमने क्या किया, रेडियस देखा, तो रेडियस वॉज 100 मीटर। तो फटाफट से अभी देख लेते हैं टाइम। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, हमें कहा गया है कि एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड में इस एथलीट ने कितने राउंड कंप्लीट किए होंगे बच्चों। तो यहाँ पे पहले हम क्या कर लेते हैं, इस 20 मिनट को भी हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, 2 मिनट 20 सेकेंड्स हमें दिए हुए हैं, 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60, 2 मिनट है, यानी कि 60 मल्टीप्लाई बाय 2, या फिर यू कैन डू 60 प्लस 60 ऑल्सो, 60 इंटू 2, दैट विल बी कितना, 120 सेकेंड्स प्लस 20 सेकेंड्स कितने हो गए बच्चों, दैट इज 140 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम हमें कितना है, मिटा देते हैं आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए, हमने थोड़ा डिटेल में किया ये। तो टाइम कितना आ जाएगा हमारे पास, टाइम विल बी 140 सेकेंड्स। ठीक है, तो एक राउंड कंप्लीट करने के लिए उसको कितना टाइम लगा, उसको टाइम लगा 40 सेकेंड। ठीक है, तो राउंड कंप्लीटेड, तो यहाँ पे 140 सेकेंड में, यहाँ पे 140 सेकेंड में वो कितने राउंड कंप्लीट करेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, 140 डिवाइडेड बाय 40, क्योंकि 40 सेकेंड में उसने क्या किया था, इस एथलीट ने क्या किया था, एक पूरा सर्कल जो था, पाथ था, वो कवर किया था। सो यहाँ पे वैल्यू इसको डिवाइड करोगे, यू विल गेट द वैल्यू, दैट इज 3.5। ठीक है, 3.5 राउंड जो है ये क्या करेगा, एथलीट कंप्लीट करेगा, यानी कि 3 राउंड जो है वो कंप्लीट होंगे। लेकिन सपोज अगर उसने ए पॉइंट से स्टार्ट किया है, तो वो एक जो राउंड होगा, एक जो राउंड होगा दैट विल बी हाफ ओनली, यानी कि वो सिर्फ बी तक ही कवर कर पाएगा, पूरा राउंड जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। समझ में आ गया बच्चों, 3.5 का मतलब 3 राउंड, 3 फुल राउंड एंड 1 हाफ राउंड, 0.5। ठीक है, तो यहाँ पे हमने गिवन सब एक्सप्लेन कर लिया है, अभी हम फटाफट से क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास, हमें क्या फाइंड आउट करना है, सर्कमफेरेंस। ठीक है, ये पूरा सर्कुलर का पाथवे अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास सर्कल का सर्कमफेरेंस है, उसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, दैट इज़ 2πr। ये हमारे पास फॉर्मूला है, कितने राउंड कवर हुए, 3.5 राउंड कवर हुए। तो हम क्या करेंगे, सिंपली फॉर्मूला पुट कर देंगे। चलिए फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, ठीक है, सो फॉर्मूला हम पुट कर लेते हैं, कितना होगा, 2πr इंटू 3.5, क्या होगा बच्चों, ये दैट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड।
ठीक है, दैट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड. डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, ये पूरा पाथवे इंटू कितने राउंड उसने कवर किए, ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया. सिंपली अभी हमें क्या करना है, हमें वैल्यूज पुट करनी है. 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितना था हमारा, डायमीटर 200 मीटर था, तो रेडियस कितना हो जाएगा, दैट विल बी 100 मीटर इंटू 3.5, क्या है हमारा जो राउंड जो कंप्लीट किए, दैट इज 3.5. तो फटाफट से इसको सॉल्व कर लो एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ, आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 2200 मीटर. यानी कि यहाँ पे हमारा डिस्टेंस जो आ गया, जो इस एथलीट ने डिस्टेंस कवर किया, दैट इज 2200 मीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया. सेकेंड चीज़ हमसे पूछी है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ठीक है, यानी कि इसने क्या किया था, इस एथलीट ने क्या किया था, पॉइंट ए से स्टार्ट किया था एक राउंड, पॉइंट बी पे आया दूसरा राउंड, फिर से पॉइंट ए पे आया तीसरा राउंड, और फिर वो कहाँ चला गया, पॉइंट बी पे. तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, दैट इज 22 मीटर. लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन. पता है हमें डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे सिंपली ये जो डायामीटर होगा इस सर्कुलर पाथ का, वो क्या होगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट. सो सिंपली आपको क्या लिख देना है, डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है दैट इज डिस्प्लेसमेंट. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट मीन्स रेडियस कितना था हमारा, 100 मीटर इंटू 2 जो है हमारा डायामीटर, दैट इज 200 मीटर. ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. आपको अगर ऐसे किसी क्वेश्चन में और सॉल्यूशन चाहिए या फिर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है बच्चों, यू कैन ऑलवेज आस्क. ठीक है.